हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिया हियर। कैसे हैं आप सब? मैं फिर से हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल फॉर क्लीनिंग वीडियो लेके। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि आप लोगों को मेरी जो लास्ट क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग वाली मोटिवेशनल वीडियो थी वो बहुत पसंद आई है, और आप में से बहुतों ने मेरी वीडियो देख के खुद के घर को साफ सफाई करने के लिए आपको वो स्ट्रेंथ मिली है, आपने वो बहुत ही मोटिवेशन के साथ किया है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो एक और मोटिवेशनल वीडियो डाल दूं। और आज का जो वीडियो है वो है, ये मेरे सामने मेरा बेड है जो बहुत ही सारे कपड़ों के साथ, मतलब डेंजरसली लोडेड होके रखा है। बहुत दिनों से मैंने अपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया है, मतलब जो भी लॉन्ड्री से सामान धो के आया है तो वो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उन्हें आज हम ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छी तरह से, और साथ ही थोड़ा चैट करेंगे दोनों। तो ये एक चैटी काइंड ऑफ वीडियो रहेगा विद सम डेकोरेशन। तो चलिए विदाउट अ फर्दर डू जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ही ज़्यादा बजट में और रियलिस्टिक वीडियोस में डालती हूँ, सो प्लीज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आई एम वेरी नियर टू 50K सब्सक्राइबर्स, सो हेल्प मी रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स। जितनी जल्दी आप मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स में पहुंचाओगे, देयर इज अ गिव अवे कमिंग एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो प्लीज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन यू गाइस फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू द वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि सबको मोटिवेशन मिले एक अच्छे से क्लीन घर के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या हालत है मेरे बेडरूम। वाओ, लोड्स ऑफ क्लोथ्स, इतने सारे कपड़े, हे भगवान, गॉड ब्लेस मी आल्सो, इतने सारे कपड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी करना तो पड़ेगा। सबसे पहले विंडोज खोल देती हूँ। कहाँ से शुरू करें? मेरे जो नाइटीज है उसको पहले फोल्ड अप कर लेते हैं, ठीक है? बाहर रेस्टोरेंट में खाने का मन कर रहा है, जाके बिरयानी खाने का मन कर रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितने दिन हो गए, मैंने लास्ट आई थिंक 2 मंथ्स पहले बिरयानी खाई थी, घर में भी बनाने की कोशिश की थी, इतना घटिया बिरयानी, पूरा वेस्ट। पता है परसों फ्राइड राइस बनाने की कोशिश की थी, पूरा एकदम पूरा घर के खत्म, मतलब इतना वेस्ट नहीं हो रहा है मुझे। कब होगा, रेस्टोरेंट कब खुलेंगे? और आज भी उसकी हालत देखिए, जंगल बन गया अभी तो पूरा, क्रूसिंग लग रही हूँ मैं पूरा, मतलब पूरा फेस का लुक से पलट गया मेरा, इतना ग्रो मेरा आईब्रो कभी हुआ नहीं था। सब तो प्रेस करने जाएगा मेरा जो लॉन्ड्री वाला है ना,
उसका जो प्रेस है वो ख़राब हो गया, तो वो सिर्फ वॉशिंग करके सारा देके चला गया। बोला है बाद में आके लेके जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, काउंट वगैरह करके आती हूँ उसको दे दूँ, तब सारे इस तरीके ले जाते हैं। जैसे पहन नहीं पाएंगे ना बाहर विदाउट प्रेस किया हुआ, अच्छा नहीं लगता है ना। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, अंदर से बहुत हवा आ रही है, बड़े विंडोज होने का ना ये करते हैं।
गोपाल लेकिन ब्राइट दिख ला ला रा रा रा। अब इस साइड में तो ये सिलेंडर बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में है ना, ये डेकोरेटिव सिलेंडर जो है माशाल्लाह वाओ लुकिंग गॉर्जियस। तो इस गॉर्जियस ब्यूटी को हमें क्या करना चाहिए, जब कुछ ना हो ये बीन बैग एलिगेंस से मुझे भेजा गया था एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी कंफर्टेबल। इसे आप कस्टमर्स में रख दीजिए कंफर्टेबल सिटिंग स्पेस के लिए। सो गाइज मैंने यहाँ पे मेरे पास एक कारपेट था वो उसे यहाँ पे मैंने बिछा दिया है टू गिव इट मोर एस्थेटिक लुक। बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ लॉकडाउन में अपने घर को बहुत ज़्यादा सिंपल रखिए, ज़्यादा चीज़ों के साथ क्लटर्ड मत कीजिए। ये देखिए वॉल कितना प्लेन है, सब कुछ मैंने प्लेन रखा है लेकिन कितना एलिगेंट लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। सो ट्राई टू कीप इट प्लेन। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे लगता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा मेस्ड अप क्लटर्ड सोच के भी मुझे डर लग रहा है, इतना ज़्यादा मेस्ड अप जगह क्लीन कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते होंगे। हो जाता है कभी कभी इस तरह से जम जाता है, तो अगर ऐसा कोई जगह है आपका तो आप जल्दी से लग जाओ। क्लीनिंग के बाद बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कि मैं डाइव कर दूँ बेड पे। लेकिन इतना अच्छा बेड बनाया है कि मुझे अभी जाने का मन नहीं कर रहा है बेड पे, तो इसीलिए मैं इस साइड पर बैठी हुई हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से, और थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है, चिट चैट किया आप लोगों के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। और मैं हाजिर होंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और क्या बोल सकती हूँ, और क्या था उसका था कुछ याद नहीं है, भूल रही हो क्या, नहीं कुछ नहीं भूलूँ, सब बोल दिया है। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट ज़रूर कीजिए कौन सा पसंद है, कौन सा चीज़ सबसे पसंद आया है। देखिए कुछ भी नहीं, सारे घर पे थे, ये पुराना सा 7 साल पुराना बेड कवर लगाया है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत एरी है। I'll see you in my next video. God bless you all. Bye. Oh, 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 oh